हेलो स्टूडेंट, मैथ क्लास एट्थ चैप्टर वन रेशनल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। जो पिछली एक्सरसाइज कराने में छूट गया था वो भी करवा रहे हैं। क्वेश्चन वन, रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा रेशनल नंबर लिखना है हमें जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, ठीक है। तो देखिए, इसमें रेशनल नंबर क्वेश्चन में सॉल्व है 0। 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। जैसे हम समझाते हैं इधर कि 0 अपॉन 1 कर दें हम यहाँ पे, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 होगा। जबकि हम जानते हैं कि रेशनल नंबर p/q फॉर्म में लिखा जाता है, तो q कभी 0 नहीं होता, q नॉट इज इक्वल टू 0, इसलिए 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होगा। लिखेंगे अब इसको, देयरफोर द रेशनल नंबर 0 हैज नो रेसिप्रोकल जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, या इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कह सकते हैं। जैसे 0/1, जैसे हमने रेशनल नंबर के रूप में लिखा, अब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हम 1/0 करेंगे, हैं, जो इसमें डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होता, क्योंकि रेशनल नंबर हमेशा p/q की फॉर्म में होता है और q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, इसलिए 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। सेकेंड है हमारे सामने, द रेशनल नंबर हैज आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसे रेशनल नंबर लिखना है हमें जिनका रेसिप्रोकल करने पर वही नंबर होता है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन होगा 1 and -1। देखिए इधर मैं समझाता हूँ, 1 का रेसिप्रोकल, 1 को हम p/q फॉर्म में लिखेंगे 1/1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा 1/1, इसका मतलब भी 1 होता है। ऐसे ही एक नंबर और है -1 को हम p/q फॉर्म में लिखेंगे तो -1/1, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा 1/-1। रेसिप्रोकल में क्या होता है, न्यूमिनेटर अपॉन डेनोमिनेटर, तो डेनोमिनेटर ऊपर हो जाता है, न्यूमिनेटर नीचे पहुंच जाता है, रेसिप्रोकल ऐसी होता है। तो 1/-1 या 1/-1, इसका मतलब भी -1 होता है। तो 1 और -1 दो ऐसे नंबर हैं जिनका रेसिप्रोकल वही नंबर होता है, ठीक है। तो हाँ, तो इसको लिखेंगे हम, बी नो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ 1 is 1, यानी रेसिप्रोकल 1 का 1 ही होता है, एंड रेसिप्रोकल ऑफ -1 is -1। रेशनल नंबर दैट इज इक्वल इट्स नेगेटिव, ऐसा रेशनल नंबर लिखना है हमें जिसका नेगेटिव करने पर भी बराबर होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 0, 0 एक ऐसा नंबर है इसका अगर नेगेटिव करें तब भी 0 आता है। देखिए 0 को हम p/q की फॉर्म में लिखेंगे तो 0/1, अब 0 का नेगेटिव करें यानी -0, आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि -0 होता है, -0/1 लिखें तब भी 0 आएगा। 0 का कोई भी नेगेटिव नहीं होता, 0 नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, 0 न पॉजिटिव होता है न नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम, द रेशनल नंबर 0 इज द रेशनल नंबर 0 इज इक्वल
टू इट्स नेगेटिव, जीरो एक ऐसा रैशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। ठीक है बेटो, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, जीरो हैज रेसिप्रोकल, अभी आपने हमने इस क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन में कराया था जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है, नो रेसिप्रोकल, इसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, इसलिए यहाँ लिख देंगे नो। ठीक है, सेकेंड है इसका द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर वन रेसिप्रोकल, ऐसे दो नंबर लिखना है जिनका रेसिप्रोकल वही नंबर होता है। तो पिछले क्वेश्चन में बताया था हमने वो नंबर है वन एंड माइनस वन। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड है हमारे सामने द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस फाइव इज, देखिए इसको करना है हमें, माइनस फाइव का रेसिप्रोकल क्या होगा आपको पता है, इसको पी अपॉन क्यू लिखना है अपने, तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए माइनस फाइव इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वन अपॉन माइनस फाइव यही होगा। ठीक है, तो इसको लिख देंगे, अगर हमें माइनस को ऊपर ले जाना है तो माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं वन माइनस वन अपॉन फाइव, क्योंकि इसमें माइनस वन का मल्टीप्लाई करने से तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन अपॉन और माइनस माइनस प्लस के फाइव हो जाते हैं, तो इसको कर सकते हैं इस तरह से, तो माइनस वन अपॉन फाइव। ठीक है, फोर्थ है रेसिप्रोकल ऑफ वन अपॉन एक्स वेयर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो इज। ठीक है, इसमें देखना है हमें वन अपॉन एक्स का रेसिप्रोकल लिखना है हमें, लेकिन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स की जगह पर जीरो कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वन अपॉन एक्स इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा एक्स अपॉन वन, और एक्स अपॉन वन को हम एक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि वन का नीचे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे एक्स। ठीक है बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज आ, दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो एक रैशनल नंबर ही आता है, क्या आता है रैशनल नंबर। ठीक है, लिखेंगे रैशनल नंबर, ठीक है। सिक्स है द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा पॉजिटिव ही होगा, जैसे कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर ले लीजिए हम वन अपॉइंट टू ले लेते हैं, वन अपॉइंट टू ले लेते हैं तो ये पॉजिटिव है, इसका रेसिप्रोकल क्या क्या होगा टू अपॉन वन यानी पॉजिटिव ही होगा, तो इसको लिखेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे प्लस बी ई लिख देते हैं पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा 1.2 स्टार्ट होगा, ठीक है, उसको कल उसका वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक